लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी भास्कर लक्ष्यकार व जिला एसपी ने ली प्रेस वार्ता। जिला कलेक्टर भास्कर लक्ष्यकार ने बताया, ट्रेनिंग में लगे कर्मचारियों की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, जिसमें 4000 से ज्यादा कर्मचारियों ने भाग लिया था। वहीं यहां लोकसभा चुनाव संबंधित जानकारी मीडिया को भी दी गई। इस दौरान जिला एसपी ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी मीडिया को बताया। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में काफी परमानेंट कनेक्शन लगे, जहाँ पर परमानेंट कनेक्शन नहीं है वहाँ पर टेम्परेरी कनेक्शन लगे। अभी तो निर्धारित समय है 7 से 6। तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने जो है वो 48 घंटे पहले चार्ज ले लिया था, सारे के सारे बॉर्डर नाके जो है वो हमारे पुलिस के द्वारा उसके सील कर दिए गए। हमारी कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं की जल्दी हमारी तरफ जल्दी जल्दी उस तरफ से सील कर दिया गया। वही प्रोसेस अपनाई जाएगी, हम लोगों की तरफ से जो ये रिजल्ट है वहाँ पे चेक करने के बाद हमारे पास। तो इस तरीके से डबल व्यवस्था हो जाती है। हमारे पास में लगभग 235 रूट है, इन 235 रूट में 138 बसें हमको चाहिए, 111 मिनी बस हमको चाहिए और इसके अलावा हमारी 109 सेक्टर ऑफिसर की मांग है, 24 जोनल मजिस्ट्रेट की मांग है। इस प्रकार से लगभग आप समझ सकते हैं कि 700 वाहनों की कुल आवश्यकता वो लगभग पड़ेगी, शासकीय वाहनों के अतिरिक्त वाहन है।